नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अपडेट्स में तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सारा इंडिया रिफंड के सिलसिले। सारा इंडिया रिफंड पोर्टल के जरिए आप निवेशक 5 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। मतलब पोर्टल में कहा गया है कि हम वर्तमान में 5 लाख तक के दावे के लिए फिर से आवेदन स्वीकार कर रहे हैं। 5 लाख से अधिक की कुल राशि के क्लेम के लिए हम आवेदन करने की तिथियों की घोषणा के बाद में की जाएगी। इन क्लेम्स पर 45 वर्किंग डे के भीतर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 16 जुलाई तक 4.2 लाख से अधिक निवेशकों को 362.91 करोड़ PTI भाषा के मुताबिक बुधवार के गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद को बताया कि इस साल 16 जुलाई तक सहारा समूह के 4.2 लाख से अधिक निवेशकों को 362.91 करोड़ रुपए वापस किए गए हैं। शाह ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा कि रुपए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से वापस किए गए। इस पोर्टल को 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य वैध निवेशकों को उनके धन की राशि प्राप्त कराने में सहायता कराना है। मंत्री ने कहा कि 16 जुलाई 2024 तक सारा समूह की सहकारी समितियों के 4,20,417 निवेशकों को 362.91 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। बता दें कि सारा समूह में कुल 9.88 करोड़ निवेशकों के 86,673 करोड़ रुपए फंसे हैं। सारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्य जमाकर्ताओं की उनकी वैध जमा राशि के भुगतान और शिकायतों के समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सहकारिता मंत्रालय द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपए सारा से भी रिफंड खाते के सहकारी समितियों के केंद्र रजिस्ट्रार CRCS के हस्तांतरित करने का निर्देश दिया। मिलते हैं नई वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।